हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अर्निंग फोलियो में। आज हम लोग बात करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स की। ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है अपने एक सेक्टर की। आज के इस वीडियो में हम इसके परफॉर्मेंस के, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, कौन से चैलेंजेस हैं जो इस कंपनी को कुछ आने वाले समय में फेस करने पड़ सकते हैं, और कौन से स्टेप्स ये इस कंपनी उठा रही है इन चैलेंजेस को, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या ग्रोथ प्लान है और क्या एक्सपेंशन प्लान है इसके, और कौन कौन लोग हैं जो इस कंपनी को होल्ड करते हैं, क्या इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और अगर इस कंपनी में हम निवेश करना चाहें तो कौन सी ऐसी प्राइस रेंज होगी जिसमें हम अगर इस कंपनी के शेयर को खरीदें तो आने वाले कुछ समय में हम एक अच्छा मुनाफा इससे कमा सकते हैं। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और ताकि आने वाले और भी वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। तो ये कंपनी फूड सर्विस इंडस्ट्री की कंपनी है। इसकी वैल्यू 2017 में आकी गई थी 3,37,500 करोड़ रुपए, जो कि उम्मीद है 2022 तक बढ़कर हो जाएगी 5,52,000 करोड़ रुपए। तो ये एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ इस सेक्टर में, ओवरऑल सेक्टर में होने वाला है। लगभग 10% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की अनुमान लगाई गई है। अब इस सेक्टर में आते हैं कुछ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर और कुछ अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का जो शेयर था वो 2017 में था 34%। अब चूंकि इनकी ग्रोथ अनऑर्गेनाइज्ड की तुलना में कहीं ज्यादा होने वाली है, इसलिए ये 34 की जगह 43% का मार्केट शेयर ये कमांड करेंगे 2022 तक, ऐसी उम्मीद है आने वाले समय में। तो हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ये लगभग 16% से बढ़ेंगे, जबकि जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है वो सिर्फ 7% से बढ़ेंगे, उनके रेवेन्यू 7% से बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों का फोकस अब चेंज हो रहा है। वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, मतलब कि नॉर्मल शॉप्स जो हुई है हमारे घर के पास में, जो शॉप्स हैं या रोड साइड जो वेंडर हैं या जो लोकली सप्लाई करते हैं फूड, अब लोग उनसे खाना लेने के बजाय ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जो कि ब्रांडेड शॉप्स हैं, चेन रेस्टोरेंट है, उनमें जाकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारे इसके रीजन है, डिफरेंट रीजन है। तो इसके चलते इस सेक्टर में इन कंपनियों का ज्यादा अच्छा ग्रोथ होने वाला है। ये कंपनी 1996 से ही फूड सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रही है, और ये दो ब्रांड को ओन करती है, डोमिनोज पिज्जा और डंकिन डोनट। तो डोमिनोज पिज्जा ज्यादा अच्छा प्रॉफिट इस कंपनी को आज की तारीख में देता है। डंकिन डोनट अभी एक ब्रेक इवन हुआ है रिसेंटली, पहले ये लॉस मेकिंग था और अब ये ब्रेक इवन हुआ है, और आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ब्रांड भी इसको प्रॉफिट एक अच्छा दे सकता है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी ये अपने प्लान्स को, अपने ग्रोथ के लिए नए नए रेस्टोरेंट्स खोल रही है, एक्सपेंशन कर रही है, क्योंकि बांग्लादेश एक अच्छे इकोनॉमी, इसकी जो इकोनॉमी है बहुत अच्छे ग्रोथ पाथ पे है। वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, लोगों को अच्छा फायदा हो रहा है बिजनेस में, और वहाँ पर लोगों की इनकम बढ़ रही है। तो जब भी इनकम बढ़ती है तो लोग पसंद करते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाना, कभी बाहर जाके थोड़ा एंजॉय करना। तो इसके चलते वहाँ पे भी लोग ब्रांडेड रेस्टोरेंट में खाना पसंद कर रहे हैं, और इसको एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। श्रीलंका में भी इसके लगभग 24 रेस्टोरेंट थे 31 मार्च 2018 में। तो लगातार ये नए मौके तलाश रही है ग्रोथ के लिए। 1200 रेस्टोरेंट इसके लगभग 31 दिसंबर 2018 में गिनती की गई थी, और 1200 डोमिनोज रेस्टोरेंट थे इसके 271 भारत की सिटीज में, और जो कि अभी रिसेंट क्वार्टर में और इनकी संख्या बढ़ गई है, 30 से अब रेस्टोरेंट्स इसने और ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में। ये कंपनी ने 2012 में डंकिन डोनट को लॉन्च किया था। डंकिन डोनट को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, पहले ये लॉस मेकिंग थी और अब ये ब्रेक इवन पर आई है। डंकिन डोनट के पहले 60 से ऊपर रेस्टोरेंट थे और अब घटकर वो 32 रेस्टोरेंट्स हो गए हैं, और इसने बहुत सारे लॉस मेकिंग रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया। इसका ये कहना था कि वहां पर उतनी अच्छी डिमांड इसको नहीं मिल रही है, इतना अच्छा प्रॉफिट ये नहीं कमा पा रही है, इसके जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो नहीं निकल पा रही है, इसके चलते इसने जो लॉस मेकिंग रेस्टोरेंट्स है उनको बंद कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा डिसीजन था, जो जहां से हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट नहीं मिल रहा है उस ब्रांच को, उस स्टोर को बंद कर देने में कोई नुकसान नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ इसके रिसेंट एक्शंस को अगर हम देखें तो बांग्लादेश में इसने जॉइंट वेंचर किया है गोल्डन हार्वेस्ट के साथ मिलकर। जो इसका जॉइंट वेंचर में शेयर रहेगा वो 51% का रहेगा जुबिलेंट फूडवर्क्स का, और 49% का शेयर रहेगा गोल्डन हार्वेस्ट का बांग्लादेश में। बांग्लादेश एक बहुत अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया
अभी इंडिया में भी इसने रिसेंटली एक और चाइनीज कुजीन को लॉन्च किया, हांगकांग किचन इंडिया किचन के नाम से, ये गुड़गांव में इसने लॉन्च किया है। इंडिया में लोग पिज्जा के साथ साथ चाइनीज कुजीन को भी बहुत पसंद करते हैं। ये सेकंड कुजीन है जो कि सेकंड नंबर पे आता है जो कि इंडियन लोगों को पसंद आता है। तो पिज्जा के साथ साथ ये इस क्षेत्र में भी अपने पैर जमा रही है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच रही है। अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो शायद ही और शहरों में भी अपने इस चेन को आगे बढ़ाएगी। इसने अभी पेप्सिको के साथ कोलैबोरेशन किया, ताकि जो आप जानते हैं कि डोमिनोज रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो मीनू में इसके कुछ बेवरेजेस होते हैं, तो पेप्सिको के साथ इसने कोलैबोरेशन किया और उसके चलते इसको अब थोड़े से कम दाम में पेप्सी इसको मिलेगी और ये अपने कस्टमर्स को और ज्यादा वैरायटी ये उपलब्ध करा पाएगी पेप्सी की। इसने अभी लेट नाइट डिलीवरी भी शुरू की है अक्रॉस 7 सिटीज। ये लगभग 52 रेस्टोरेंट्स के जरिए रात को 3 बजे तक ये पिज्जा होम डिलीवर करते हैं, जो कि वर्किंग इसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जो कि वर्किंग पर्सनल्स हैं उनको, जो कि लेट नाइट आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अरे रेस्टोरेंट्स तो सारे बंद हो गए हैं, तो उनको ये एक ऑप्शन देता है कि वो यहाँ से पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं। रात के 3 बजे तक ये लोग पिज्जा डिलीवर करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इनको कितना ग्रोथ के लिए, ये कितने एग्रेसिव हैं, हर एक मौका नहीं छोड़ना चाहते अपनी ग्रोथ के लिए। इन्होंने एक नया ऑल न्यू डोमिनोज करके एक लाइन, एक अलग से सेगमेंट लॉन्च किया और उसमें इन्होंने पिज्जा की क्वालिटी को बढ़ाया, एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा टॉपिंग्स, कुछ नए सॉसेस, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये आए और एक डिफरेंट पिज्जा को लेकर आए और क्वालिटी को और अच्छा इन्होंने इम्प्रूव किया। इसी के साथ ही डोमिनोज ऑन द गो पर भी ध्यान दे रहे हैं। अब डोमिनोज ऑन द गो क्या है कि इनका कोलैबोरेशन हुआ IRCTC के साथ, तो अब भारत में कुछ स्टेशंस पे आप डोमिनोज का पिज्जा ले सकते हैं और 134 ऐसे स्टेशंस हैं जिनके लास्ट ईयर जिनमें डोमिनोज पिज्जा अवेलेबल था, और अब इस साल ये 206 रेलवे स्टेशंस पे डोमिनोज पिज्जा की डिलीवरी करेंगे। एवरीडे वैल्यू में ये एक अफोर्डेबल पिज्जा लेकर आए। 99 रुपीज में आप 2 बेसिक पिज्जा ले सकते हैं, या फिर छोटे शहरों में ये 49 रुपीज में एक मीनू का कॉम्बो लेकर आए हैं, तो ये बहुत ही लोअर प्राइस में एक अच्छा एक ऑप्शन ये लेकर आए हैं हमारे मिडिल क्लास के लिए। तो एग्रेसिव है ये अपने सारे ग्रोथ प्लान को लेकर और एक्सपेंशन भी लगातार कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग पर भी इनका ध्यान है, तो ये एक अच्छे पाथ पे हम इनको कह सकते हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस कंपनी को फायदा पहुंचा सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि वर्क फोर्स इंडिया में बढ़ रही है, वुमेन वर्क फोर्स की, और यूथ पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ रही है और बिजी लाइफ स्टाइल लोगों की है, तो ऐसे में कई बार ऐसा मौका होता है जब लोगों को कुछ रेडीमेड क्विक और अच्छा फूड चाहिए, क्वालिटी फूड चाहिए, तो उनके पास एक पिज्जा ही ऑप्शन ऐसा अच्छा ऑप्शन एक बचता है, तो लोगों का इस पे एक ध्यान जाता है और पिज्जा के लिए हम लोग ऑर्डर करते हैं। GST में रिडक्शन हुआ है, पहले जब ये लॉन्च किया गया था तो 18% का GST था और ये अब घटकर 5% पर आया है, तो एक बहुत ज़्यादा रेट कट हुआ है GST में। एयर कंडीशन रेस्टोरेंट हो या नॉन एयर कंडीशन रेस्टोरेंट हो, सेम GST लागू होता है। आप इंडिया में एक ये भी चलन है कि लोग सेलिब्रेट करने जाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जाते हैं, या कुछ गेट टुगेदर होता है तो लोग कई बार जनरली पिज्जा खाने जाते हैं बाहर, एक अपना फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करते हैं, तो ये भी एक चलन है और ये भी ये कंपनियां ट्रैक करती हैं, तो इनको एक बहुत ज्यादा फेसबुक स्टेटस अपडेट्स में भी इनकी बहुत अच्छी काउंट्स आई है, तो रेवेन्यू इनका लगातार यही सब चीजों के चलते अच्छा बढ़ रहा है। ये रेगुलरली डिजिटल पेमेंट्स का ऑप्शन देते हैं, कैशबैक और कुछ डिस्काउंट्स भी वेडनेसडे को, जैसे आप जानते होंगे कि वेडनेसडे को कई बार डिस्काउंट होता है, बीच बीच में डिस्काउंट ऑफर्स ये लाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो कि इस कंपनी के लिए एक अच्छा ग्रोथ ड्राइवर साबित हो रही हैं। अब चैलेंजेस इस कंपनी के लिए ये है कि रियल एस्टेट का दाम लगातार बढ़ रहा है और इनको एक अच्छा खासा एरिया चाहिए पड़ता है अगर ये डाइन इन रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो हालांकि अब इस कंपनी ने ऐसा फोकस किया है कि ये डाइन इन रेस्टोरेंट की जगह पे सिर्फ एक छोटा सा जगह पे ये अपना रेस्टोरेंट को बिजनेस को चलाएगी और ये सिर्फ टेक अवे या डिलीवरी को ये सुविधा देगी, तो वो उसका 300 से 700 स्क्वायर फीट के जगह में ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सोच रही है। उससे क्या होगा, उसे
कई बार ये होता है कि लोगों को जस्ट पिज्जा चाहिए, वो अपने घर में, ऑफिस में या कहीं पे भी पिज्जा मंगाना चाहते हैं, उनको मतलब नहीं कि डाइन इन आपके पास है या नहीं है, तो वहां पे इसको ये एक अच्छा मौका इसको मिल सकता है। और इसकी कॉस्ट कटिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, इसका रियल एस्टेट का कॉस्ट कम हो जाएगा, तो ये उस क्षेत्र में इस चैलेंज को कम करने की कोशिश कर रही है। इम्प्लॉय को जब ये हायर करती है तो इसको एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये खाने के बिजनेस में है, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो जिसका क्रिमिनल माइंड सेट हो तो इसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि खाना एक बहुत ही सेंसिटिव एक पार्ट है, जो कि उसमें अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसको बहुत भारी भरकम नुकसान, जुर्माना भरना पड़ेगा, शायद इसका ब्रांड ही बंद हो जाए। तो उसके चलते ये एक्स्ट्रा उसको ट्रैक रिकॉर्ड रखती है एम्प्लॉयज का, डबल ट्रिपल वेरिफिकेशन कराती है, बिल्कुल स्ट्रिंजेंटली ये अपने एम्प्लॉयज पे ध्यान रखती है। मल्टीपल इसको जब भी लाइसेंस कोई नया रेस्टोरेंट खोलना पड़ता है, तो इंडिया में अभी कोई एक ऐसा कोई एक सिस्टम नहीं है कि बस एक ही जगह हमने अप्लाई किया, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और हमको उसका लाइसेंस मिल गया ना रेस्टोरेंट खोलने का। इसे डिफरेंट 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 जगह पर जाकर उसके लाइसेंस लेने पड़ते हैं, कई जगह पे एप्लीकेशन देनी पड़ती है, डिफरेंट अथॉरिटीज से काम निकलवाना पड़ता है, तो वो एक इसके लिए चैलेंज आ रहा है। हालांकि मोदी गवर्नमेंट इस चीज को सॉल्व करने के लिए काफी कदम उठा रही है, और इंडिया की जो रैंकिंग है वो 30 पायदान इसने अच्छा रैंकिंग हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो ये रिस्क भी धीरे धीरे करके इंडिया में अब आगे खत्म हो रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 2014 में इसका जो रेवेन्यू था वो 17,234 मिलियन का था, और जो बढ़कर 2018 में 29,804 मिलियन का हो गया, तो बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ इसको मिला है। इसका जो आरओई है वो अभी 2018 के लिए 20% का आरओई इसका है। इसने जो नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका है वो रिसेंट 2018 के लिए 6.93% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.74% का है। ये एक इकलौती कंपनी है अपने सेक्टर की जो कि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। बाकी की दो और कंपनियां बीएससी पे लिस्टेड हैं इसके सेक्टर में, लेकिन वो दोनों ही कंपनियां लॉस मेकिंग कंपनी है। यही हम कह सकते हैं कि अपने सेक्टर का यही एक राजा है, और अगर आने वाले समय में बिकॉज ऑफ वर्किंग वुमेन, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ बिजी लाइफ स्टाइल और सो मेनी रीजंस, अगर ये फूड सर्विस इंडस्ट्री बढ़ती है तो ये एक कंपनी वेल्थ क्रिएटर साबित हो सकती है। तो ये लगभग पिछले 8 साल में 28% से इसका रेवेन्यू बढ़ा है, और पिछले 5 सालों में लगभग 16% से इसके रेवेन्यू में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो 39.41% तो सिर्फ FII ही इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आप जानते हैं बहुत ही रिसर्च के बाद किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा शेयर इस कंपनी का वो होल्ड करते हैं, कितना ज्यादा वो भी एक लॉन्ग टर्म विजन को लेकर चल रहे हैं कि इंडिया आप किस पाथ पे है, किस ट्रैक पे है और कौन कौन सी कंपनियां फायदा उठा सकती हैं। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 44.94% है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 6.73% है। इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग सिर्फ 8.52% की है। तो प्रमोटर्स और FII इस कंपनी को होल्ड करते हैं, मेजोरिटी यही लोग इस कंपनी को होल्ड करते हैं। ये कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है और इसका जो शेयर है अभी मैं कहूंगी कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए, इलेक्शन के चलते कुछ उथल पुथल होगी मार्केट में, और अगर इसका शेयर हमें 1,000 से 1,100 के भाव में हमें कभी इन्वेस्ट करने का मौका मिले तो जरूर हमें इस कंपनी के शेयर को ले सकते हैं, और आने वाले कुछ समय में हम 1,800 से 2,000 का प्राइस तो हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 2 सालों में। मेरे कहने से आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, ये कोई इन्वेस्टमेंट की या फिर बाई या सेलिंग की एडवाइस नहीं है, ये मेरा एक एनालिसिस है इस कंपनी के बारे में। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और उसकी सलाह के अनुसार ही निवेश करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।